हेलो दोस्तों, मैं हूं निखिल गुप्ता और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिलने थॉमसन मेथड, जो कि एनालिटिक फंक्शन का ही एक टॉपिक है। मिलने थॉमसन मेथड कहां यूज लेते हैं ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर हमारे पास एफ ऑफ जेड फंक्शन दिया हुआ है यू प्लस आयोटा वी, एफ जेड फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन इस तरह का ही होता है जिसमें यू और वी खुद एक्स और वाई के फंक्शंस होते हैं। तो अगर एफ ऑफ जेड ये दिया हुआ है तो मिलने थॉमसन मेथड इज यूज टू फाइंड एफ ऑफ जेड व्हेन ओनली यू और वी फंक्शन इज गिवन। मतलब हमें एफ ऑफ जेड निकालना है अगर जबकि सिर्फ यू दिया हुआ है और सिर्फ वी दिया हुआ है, केवल अकेले यू की हेल्प से ये पूरा एफ जेड फंक्शन निकालना हो या फिर अकेले वी की हेल्प से पूरा का पूरा एफ ऑफ जेड फंक्शन निकालना हो, दोनों ही सिचुएशन में हम मिलने थॉमसन मेथड का यूज ले सकते हैं। यहां पर एक बस खास बात ध्यान देने वाली होती है कि ये सब कुछ केवल एप्लीकेबल है जब एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, केवल तब हम लोग ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज ये काम नहीं कर सकते। तो मिलने थॉमसन मेथड एफ जेड निकालने के काम आएगा। यू और वी दोनों में से किसी एक फंक्शन की हेल्प से पूरा का पूरा फंक्शन निकाल सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि एफ ऑफ जेड जो है वो एनालिटिक होना चाहिए। तो इसका हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि भाई मिलने थॉमसन मेथड से एफ ऑफ जेड कैसे निकाल सकते हैं, तो वो फॉर्मूला हम लोग डेराइव करने वाले हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो इसका प्रूफ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एफ ऑफ जेड क्या होता है ये एक बार देखें। यू एक्स कॉमा वाई प्लस में आयोटा वी एक्स कॉमा वाई, इसको इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं। अपन सारा का सारा काम z में करने वाले हैं, तो ये x और y एलिमिनेट करने हैं यहां से, इनकी जगह z में कुछ ना कुछ वैल्यूज रखने वाले हैं हम लोग। वो कैसे रखेंगे, देखिए z हमारे पास होता है x प्लस आयोटा वाई, तो z बार जो उसका कॉन्जुगेट होता है, जो उसका संयुग्मी होता है, वो बनेगा x माइनस आयोटा वाई। आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं हम लोग। दोनों इक्वेशंस को अगर एड करें इन दोनों को, तो z प्लस z बार आएगा 2x के इक्वल, तो x की वैल्यू यहां से आएगी z प्लस z बार डिवाइडेड बाई 2, एक इक्वेशन ये बन गई। दोनों इक्वेशंस को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो यहां पर, तो ये बनेगा z माइनस z बार इज इक्वल टू 2 आयोटा y, जिससे y की वैल्यू आ जाएगी z माइनस z बार डिवाइडेड बाई 2। ये दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को इस इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग पुट कर लेते हैं, 3 नाम दे देते हैं इसको। 3 में अगर आप रखें तो f ऑफ z हमारे पास आएगा u, x की जगह रखोगे आप z प्लस z बार अपॉन 2 कॉमा y की जगह आप रखोगे z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा प्लस में आयोटा, x की जगह आप रखोगे यहां पर सेम z प्लस z बार अपॉन 2 कॉमा y की जगह आप रखोगे z माइनस z बार अपॉन में 2 आयोटा। यहां पर आयोटा भी है, मैंने लिखा नहीं, यहां देख लीजिएगा। तो ये हमने x और y की जगह z और z बार में सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, मान लीजिए कि z इज इक्वल टू z बार है एक बार के लिए, तो उस सिचुएशन में क्या इक्वेशन बनती है ये। अगर z इज इक्वल टू z बार है तो f ऑफ z आएगा आपके पास में u, ये z इज इक्वल टू z बार, मतलब z बार जहां जहां दिखेगा वहां z लिखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा z प्लस z अपॉन 2 कॉमा z माइनस z अपॉन 2 आयोटा प्लस में आयोटा v z प्लस z अपॉन 2 कॉमा z माइनस z अपॉन 2 आयोटा। ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, 2z अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल होकर के z बन जाएगा, ये भी 2z अपॉन 2 वही z बन जाएगा। तो फाइनली f ऑफ z हमारे पास आएगा u z कॉमा 0 प्लस में आयोटा v z कॉमा 0। ये हमारा एक नई इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब ये f ऑफ z फंक्शन u और v का फंक्शन है। एफ ऑफ जेड फंक्शन यू और वी का ही फंक्शन था, लेकिन वो एक्स वाई में था, एक्स और वाई को हमने जेड में कन्वर्ट कर दिया और ये फंक्शन बना लिया एफ ऑफ जेड। अब मिलने थॉमसन मेथड केवल तब एप्लीकेबल है जब एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन हो, तो एफ ऑफ जेड यहां पर एनालिटिक गिवन है एक तरीके से, अगर मिलने थॉमसन मेथड अपन अप्लाई कर रहे हैं तो एफ ऑफ जेड अगर एनालिटिक फंक्शन है, ये गिवन है,
तो गिवन दैट f ऑफ z इज एन एनालिटिक फंक्शन, और अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक है इसका यह मतलब है कि सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। दो इक्वेशंस सीआर इक्वेशंस थी, उस पर हम लोगों ने पहले वीडियो भी बनाया हुआ है एक, आप उसे जरूर देखें। तो वो दो इक्वेशंस यहां पर काम आएगी। तो एक इक्वेशन तो थी डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और दूसरी इक्वेशन थी डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये दो इक्वेशन हम लोगों ने लिखे थे। तो अगर ये एफ ऑफ जेड फंक्शन एनालिटिक है तो u और v में ये दो इक्वेशंस हमेशा ट्रू हैं, और u और v इस बार x और y के फंक्शंस नहीं हैं, x की जगह z और y की जगह जीरो रख सकते हैं अपन। तो यहां भी सेम पैटर्न चल रहा है, x की जगह z और y की जगह जीरो रख सकते हैं अपन। तो ये दो इक्वेशंस जो सीआर इक्वेशंस आई हैं इनको 5 और 6 नंबर इक्वेशन दे देते हैं। 4 की बाद में यूज लेंगे हम लोग, 5 और 6 का भी यूज लेना है। कहां यूज लेना है देखिए, वो जो तीन इक्वेशंस यहां लिखी थी उसे मैंने साइड में लिख दिया है, 4, 5, 6 जहां ये यूज आएंगी वहां यहां से डायरेक्टली यूज ले लेंगे उनको। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं डेरिवेशन को। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस में आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, सफिशियंट कंडीशन ऑफ अ फंक्शन टू बी एनालिटिक। ये एक डेरिवेशन होता है जिसका कंक्लूजन्स में एक कंक्लूजन ये भी निकलता है। तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये एफ डैश जेड निकलता है। तो एफ डैश जेड में डेल यू अपॉन डेल एक्स तो एज इट इज रहने दो, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस में आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहां से लिख लेते हैं, ये रहा डेल वी अपॉन डेल एक्स और इसकी वैल्यू आएगी माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई। तो माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई ये बन जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई, ये एफ डैश जेड चल रहा है और जेड की टर्म्स में है ये। तो ये सब कुछ अब जो डिफरेंशिएशन आप कर लोगे उसके बाद इसको एक्चुअल में ऐसे लिखना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स एट जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई एट जेड कोमा जीरो, ये एफ डैश जेड आ गया। ये एक्चुअल में जेड कोमा जीरो पर है, जो हमने फंक्शन बनाया था एफ ऑफ जेड वो जेड कोमा जीरो का फंक्शन बना लिया था हम लोगों ने यू और वी में इक्वेशन नंबर 4 जो बनाई थी। अब यहां पर ये अंडरस्टूड है कि लास्ट में अपने को पॉइंट जेड कोमा जीरो रखना ही है, एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो रखना ही है। आप अगर नोटिस करें तो एफ डैश जेड जो है वो केवल यू की टर्म्स में आ गया। तो अगर आपको यू फंक्शन गिवन है तो उसका एक बार पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके जेड और जीरो पॉइंट रख सकते हो, उसमें वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके जेड और जीरो पॉइंट रख सकते हो, उससे एफ डैश जेड आ जाएगा और इंटीग्रेशन करते ही एफ जेड आ जाएगा। तो एफ जेड अगर आपको निकालना है तो एफ जेड हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स एट पॉइंट जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई एट पॉइंट जेड कोमा जीरो, और ये होल इंटीग्रेशन हो जाएगा डी जेड जेड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये फंक्शन जेड का बनने वाला है और एफ डैश जेड का वैसे भी इंटीग्रेशन सिर्फ जेड की टर्म्स में ही हो सकता है, तो यहां जेड लेना जरूरी था, जेड में कन्वर्ट करना जरूरी था, एक्स और वाई में नहीं चला सकते थे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन सिर्फ जेड की टर्म्स में ही किया जा सकता था एफ डैश जेड का। तो इधर भी जेड में चाहिए था फंक्शन डी जेड लगाने के लिए, जेड में कन्वर्ट कर लिया, पहले से ही कन्वर्ट कर लेना है अपने को ये। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको सिर्फ यू फंक्शन पता है तो उसकी हेल्प से आप एफ जेड फंक्शन निकाल सकते हो। ये तो हमारा एफ जेड फंक्शन आया जब केवल यू फंक्शन हमें पता है, तो यू अगर पता है तो एफ जेड निकल जाएगा। लेकिन अगर केवल वी फंक्शन पता है, यू नहीं पता, उसकी जगह वी पता है, तो फिर एफ ऑफ जेड कैसे निकालें? तो फिर एफ ऑफ जेड इस वाले में दूसरे तरह के चेंजेस करने पर मिल जाएंगे। देखो कैसे, ये जो अपना फंक्शन है इसमें आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। अपन ने इधर वी की वैल्यू यू की टर्म्स में रख दी थी क्योंकि अपने को यू पता था। अगर हम लोग सब कुछ वी की टर्म्स में निकालना चाहें तो यहां पर वी की टर्म्स में वैल्यू रखेंगे जो कि फर्स्ट वाली इक्वेशन में मिल रही है अपने को,
ये वैल्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स है, डेल वी अपॉन डेल वाई वो यहां रख दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा एफ डैश जेड इज इक्वल टू यहां से डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस में आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो एफ डैश जेड अगर आप प्रॉपरली लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल वाई एट पॉइंट जेड कोमा जीरो प्लस में आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स एट पॉइंट जेड कोमा जीरो। ये पॉइंट्स यहां पर रख देंगे। ये एफ डैश जेड आया जो कि सिर्फ वी की टर्म्स में है, इसका इंटीग्रेशन करते ही अपने को एफ ऑफ जेड मिल जाएगा। तो एफ ऑफ जेड क्या मिलेगा, एफ ऑफ जेड आ जाएगा यहां से इंटीग्रेशन ऑफ डेल वी अपॉन डेल वाई एट पॉइंट जेड कोमा जीरो प्लस में आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स एट पॉइंट जेड कोमा जीरो का होल इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में। तो अगर सिर्फ यू फंक्शन पता है तो बीच में यहां माइनस आता है और एक्स पहले वाई बाद में, ये थोड़ा सा सीक्वेंस ध्यान रखना है आपको, याद करना पड़ेगा। और अगर सिर्फ वी फंक्शन पता है तो वाई के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएशन होता है, फिर आयोटा प्लस के साथ में वी का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो ये दो तरीके हैं, दोनों ही मिलने थॉमसन मेथड ही हैं, सिचुएशन के हिसाब से हम लोग यूज लेते हैं। अगर केवल यू फंक्शन दे रखा है तो ये, अगर केवल वी फंक्शन दे रखा है तो ये वाला। तो इस वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मूला डेराइव किया मिलने थॉमसन मेथड का दोनों तरह से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने थॉमसन मेथड पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको इस टॉपिक पे कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।